हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिकर्शन। व्हाट इज़ रिकर्शन और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके टाइप्स और इसका जो प्रैक्टिकल वर्जन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक दो एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे व्हाट इज़ रिकर्शन और इसे हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड उसके बारे में। ठीक है, सो अगर एकदम बेसिक सी डेफिनेशन है कि जब भी कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो उसे हम कहते हैं रिकर्शन। ठीक है, सो ए प्रोसेस बाय विच फंक्शन कॉल इट्सेल्फ रिपीटेडली। ठीक है, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया है, होप आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल करने का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया हर एक फंक्शन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो जैसे एक हमने एक सम फंक्शन बनाया, ठीक है, सम नाम का फंक्शन बनाया, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, और वो किसी भी वजह से खुद को फिर से जो फंक्शन के डेफिनेशन है उसमें वो खुद को अगर कॉल करता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। कि जब कोई भी एक फंक्शन अब खुद को ही कॉल करता है रिपीटेडली तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकर्शन। ठीक है, और ये जो फंक्शन कॉलिंग है ये दोनों तरह से हो सकती है, डायरेक्टली भी हो सकती है या इनडायरेक्ट वे में भी हो सकती है। तो उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट रिकर्शन और इनडायरेक्ट रिकर्शन। अब वो कैसे होगा इसको देखते हैं। जैसे हमने सम नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, और वो खुद को ही कॉल कर रहा है, मतलब उसी की डेफिनेशन में सम कॉल हो रहा है। ठीक है, जैसे एक्स कॉल्स एफ एक्स, ठीक है, एक्स एक्स को ही कॉल कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिकर्शन। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ, एक्स नाम का एक फंक्शन है जिसने क्या किया, वाई को कॉल करा, ठीक है, और ये जो वाई फंक्शन है ये फिर से एक्स को कॉल कर रहा है, ठीक है, एक्स को कॉल कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट रिकर्शन। ठीक है, तो दोनों तरीके से ही हम इसे रिकर्शन कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कॉलिंग ही रिकर्शन मानी जाएगी। किसी भी तरीके से अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है रिपीटेड वे में तो वो हमारा रिकर्शन हो जाता है। सो इट इज ये वाली जो डेफिनेशन है ये डायरेक्ट रिकर्शन के लिए है एंड दिस वन इज फॉर इनडायरेक्ट रिकर्शन। ठीक है, ओके, सो यूज्ड फॉर रिपीटेटिव कंप्यूटेशन इन विच ईच एक्शन इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ अ प्रीवियस रिजल्ट। तो जहाँ पे आपको रिपीटेड कंप्यूटेशन करना हो, जिसका अगर रिकर्शन आपको समझना है तो सबसे पहले आप फैक्टोरियल का एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से समझिए। और यही यहाँ पे रखा भी गया है कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो बार बार एक ही चीज़ को रिपीटेड कंप्यूटेशन और सेम टाइप के ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर ऐसी प्रॉब्लम जिसे आप स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, वहीं पे आप रिकर्शन अप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम फैक्टोरियल का एग्जांपल लें तो अगर आप 6 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो देखिए सिंपल सा प्रोसेस क्या है। अगर आप डायरेक्ट लिखें तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, या अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें, क्योंकि हमें रिकर्शन को समझना है, कि लाइक हमारे पास एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है, 6 फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल, स्मॉलर पार्ट में हमने ब्रेक करा। फिर इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर 4 के लिए हम लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर 3 के लिए हमने लिखा 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 × 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एक एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सिमिलर प्रॉब्लम में, सेम देखो फैक्टोरियल हर जगह कॉमन है, आपको यहाँ पे भी फैक्टोरियल लेना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आप जो फैक्टोरियल है ये आप रिपीटेडली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास ये कैपेसिटी है, ठीक है, आप बड़ी प्रॉब्लम को सेम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ आपके प्रॉब्लम के लिए आपको एक स्टॉपिंग कंडीशन भी ढूंढनी होगी, ये कहता है आपका रिकर्शन। ठीक है, तो फैक्टोरियल के लिए भाई आप जानते हैं कि दिस इज टर्मिनेशन कंडीशन, चाहे आप 1 ले लीजिए और चाहे आप 0 ले लीजिए, इसका फैक्टोरियल हमेशा 1 ही आप मानते हैं। ठीक है, तो दिस इज टर्मिनेशन कंडीशन फॉर द फैक्टोरियल प्रॉब्लम, और टर्मिनेशन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बेस कंडीशन। काफी सारी चीजें मैं एक साथ लेके चल रही हूँ। सो यही चीज समझाई गई है कि भाई जो
रिकर्शन इज यूज फॉर रिपीटेटेड कंप्यूटेशंस इन विच ईच एक्शन इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस रिजल्ट. ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू फैक्ट माइनस वन. देखिए, जैसे हमने कहा 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो ये क्या लिखा है, 6 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. यही तो रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर हम ये 6 को कहें एन फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या कह रहे हैं, एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन. यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. और हर एक एक्शन को, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करते जा रहे हैं ना. सो जब जो आपका रिकर्शन हम यूज कब करते हैं, द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज बाय सॉल्विंग अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम फर्स्ट. ठीक है, सो रिकर्शन इज अ टेक्निक दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग अ स्मॉलर प्रॉब्लम ऑफ द सेम टाइप, जैसा आपने रिकर्शन के लिए देखा. और रिकर्शन के थ्रू हम बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आएंगे, देखेंगे कि रिकर्शन कहाँ कहाँ पे आप अच्छे से यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन. अब वो कॉलिंग जो है, फंक्शन कॉलिंग डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है. और अगर आप डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्शन. इनडायरेक्ट रिकर्शन, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल. टेल रिकर्शन भी होता है. तो रिकर्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके गेट एंड नेट एग्जाम पे भी आपको सॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी प्रोसेसिंग जरूर पता होना चाहिए. ठीक है, आगे आते हैं. सो दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन. डायरेक्ट रिकर्शन देखिए, एक फंक्शन है f1, वो खुद को बार बार कॉल कर रहा है एक लूप में. ठीक है, एंड देखिए, और इनडायरेक्ट रिकर्सिव कॉल कैसी होगी, f1 ने f2 को कॉल किया, f2 ने किसी और को कॉल किया, या फिर डायरेक्ट f1 को ही फिर से कॉल कर लिया. ठीक है, देखिए f2 ने नेक्स्ट फंक्शन एक fn है और फिर वो fn को कॉल करा है. मैं इसको सिंपल करती हूँ, f1 ने f2 को कॉल किया एंड f2 इज अगेन कॉलिंग f1, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट. कि f1 खुद को डायरेक्टली नहीं कॉल कर रहा है, लेकिन ये दूसरा फंक्शन जिसे f1 कॉल कर रहा था, वो f1 को कॉल कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्सिव कॉल्स. ठीक है, ओके. सो आपको अगर रिकर्शन इंप्लीमेंट करना है तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कि इट शुड बी पॉसिबल टू एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन रिकर्सिव फॉर्म. ठीक है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसी टाइप की स्मॉलर प्रॉब्लम में आप प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, या फिर कैन यू डिवाइड द प्रॉब्लम इंटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स और नॉट, राइट. एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड अ स्टॉपिंग कंडीशन. ठीक है, अगर ये दो काम किसी प्रॉब्लम के लिए आप ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके लिए एक रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं. जैसे कि देखिए, अगर फैक्टोरियल के लिए बेस कंडीशन अभी अभी मैंने डिस्कस की, या तो आप 1 पे लगा दीजिए या तो आप 0 पे लगा दीजिए. ठीक है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो दिस इज कॉल्ड योर बेस कंडीशन फॉर फैक्टोरियल फंक्शन. ठीक है, तो हमने कहा इफ, हमने यहाँ पे एन पे लगाया, इफ एन इज इक्वल टू 0 देन आउटपुट क्या होना चाहिए, 1. लेकिन अगर एन इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1. और ये जो है ना, इसे हम कहते हैं बेस कंडीशन. ठीक है, तो टर्मिनेशन कंडीशन को रिकर्शन के केस में हम क्या कहते हैं, बेस कंडीशन. ठीक है, इसको यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है. तो सिंटेक्स देख लेते हैं कि कैसे समझेंगे कि फंक्शन मतलब रिकर्सिव कॉल हो रही है. तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे सम. ठीक है, एक सम नाम का फंक्शन है जिसमें पैरामीटर्स हैं, और ये सम फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से. यहाँ पे कुछ और कंडीशन है, मान लीजिए यहाँ पे बेस कंडीशन भी मेंशन की हुई है, और यहाँ पे लिखा है सम एंड पैरामीटर वैल्यूज. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिकर्सिव कॉल हो जाएगा. ठीक है, फंक्शन कॉलिंग इट्सेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, अब व्हाट इज पर्पस ऑफ रिकर्शन, इसकी हम लोग बात करते हैं. ठीक है, मतलब हमें जरूरत क्या है. रिकर्सिव फंक्शन आर यूज टू रिड्यूस अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू ए सिंपलर टू सॉल्व प्रॉब्लम. ठीक है, आप इसको ऐसे मत समझिए कि रिकर्शन का यूज सिर्फ और सिर्फ ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम जैसे रिकर्शन सिर्फ फैक्टोरियल के लिए ही किया गया. नहीं, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी रिकर्शन अप्लाई कर होता है, और ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कई सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो हम आगे डिस्कस करेंगे. या हो सकता है आप डा या एल्गोरिथम में डिटेल में जाएं, तो आपको इसका सिग्निफिकेंस जरूर महसूस होगा. ठीक है, द सिंपलर टू सॉल्व प्रॉब्लम इज नोन एज द बेस केस. ठीक है, सिंपलर टू सॉल्व और टर्मिनेशन कंडीशन इज कॉल्ड बेस केस, एंड द रिकर्सिव कॉल
कॉल्स स्टॉप व्हेन द बेस केसेस रीच, तो आपका रिकर्शन वहीं पे रुकेगा जहां आपने बेस कंडीशन या टर्मिनेशन कंडीशन जब आप वहां पे पहुंच जाएंगे, तो ये आपका रिकर्शन का फंक्शन है। तो अब आगे देखते हैं व्हेन टू स्टॉप द रिकर्शन। ठीक है, स्टॉपिंग ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आपके पास बेस कंडीशन होगी, उसी पे आपका जो फंक्शन होगा वो स्टॉप करेगा। ठीक है, तो आ रिकर्सिव फंक्शन मस्ट ऑलवेज इंक्लूड अ टेस्ट टू डिटरमाइन इफ अनदर रिकर्सिव कॉल शुड बी मेड और इफ द रिकर्शन शुड स्टॉप विद दिस कॉल। ठीक, मींस आप बेस कंडीशन पहले जैसे ही आप फंक्शन में आएंगे आप चेक करेंगे कि क्या हम टर्मिनेशन कंडीशन पे पहुंचे हैं, अगर नहीं तो आप फिर से क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। अ डिफरेंट वैल्यू इज पास्ड टू द फंक्शन ईच टाइम इट कॉल्ड एंड इवेंचुअली द पैरामीटर रीचेज द वैल्यू इन द टेस्ट एंड द रिकर्शन स्टॉप। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी एग्जाम्पल से तुरंत समझने वाले हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिकर्शन फैक्टोरियल। ठीक है, सो दिस इज आर बेस केस इन फैक्टोरियल इन 10। हमने कहा दिस इज योर बेस केस कि अगर एन की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें रिटर्न करना है 1, अदरवाइज हम क्या करेंगे एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1। देखिए फंक्शन का क्या नाम है, फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे ये कॉल किया जा रहा है, इसका मतलब हम रिकर्शन, और ये किस तरह का रिकर्शन है, दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्ट रिकर्शन क्योंकि फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ डायरेक्टली। ठीक है, ओके, अब ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया ऐसा एग्जाम्पल है, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है। देखिए जैसे हमें फैक्टोरियल 4 फाइंड करना है, ठीक, तो फैक्ट 4 क्या हम टर्मिनेशन कंडीशन पे हैं? नो, टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, क्या 3 हमारा इक्वल टू 0 है? नो, तो देखिए हमारा यहाँ फंक्शन में लिखा हुआ है कि फंक्शन इफ एन इज डबल इक्वल टू 1 तो रिटर्न करना है 1। ठीक है, हम यहाँ पे 1 लेके चल रहे हैं, तो क्या 3 1 के बराबर है? नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, क्या ये 2 के लिए अगर हम इसको कॉल करेंगे क्या 2 इज इक्वल्स टू 1? नहीं, तो ये क्या करेंगे, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, 1 इज इक्वल्स टू 1, यस, देन वी हैव रीच्ड द टर्मिनेशन कंडीशन। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं ऐसा करूँ इफ एन इज डबल इक्वल टू 0, ठीक है, तब कैसा होगा, मैं थोड़ा सा अलग से लिखती हूँ। हमने कहा फैक्ट 4, हमने इसे कॉल किया, ठीक, हमने यहाँ लिखा कि भाई टर्मिनेशन कंडीशन तो है नहीं अभी क्योंकि हम एन इज इक्वल टू 0 पे टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा 4 इंटू फैक्ट 3, ठीक, फिर फैक्ट 3 के लिए हमने क्या किया, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, ठीक है, फिर फैक्ट 2 के लिए 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है, अब 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 1, 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। ठीक है, नाउ दिस इज योर टर्मिनेशन कंडीशन और इसकी वैल्यू क्या हुई है, रिटर्न 1, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 1, ठीक है, तो 1 इंटू 1 हमें 1 मिला, तो फैक्ट 1 को क्या रिटर्न होगा, 1, ठीक है, इसको मिला 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, तो ये फैक्ट 1 यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 2, अब 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, तो मतलब यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 6, ठीक है, अब 6 किसकी वैल्यू है, फैक्ट 3 के लिए, अब ये 6 4 इंटू 6 ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, 24, 6 4 जा 24, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 24, क्योंकि अभी हमें पीछे तो जाना नहीं है। तो आपका देखिए कैसे कॉल हो रहा है, पहले हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, देखिए फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड एंड देन वी आर मूविंग बैकवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको भी देख लेते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको लिख के समझा दिया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसको भी समझ लीजिए, यहाँ पर टर्मिनेशन कंडीशन 1 इज इक्वल टू 1 ली हुई है, तो सीधे हम ऐसे ही आए हैं, हमें 1 मिला, तो ये जो फैक्ट 1 की वैल्यू है, हमने 1 दी, तो हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 ये पूरा क्या रिटर्न होगा, 2, तो इसका मतलब फैक्ट 2 की वैल्यू 2 हो गई, जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज 3 इंटू 2, 6 यहाँ से रिटर्न होगा, मतलब फैक्ट 3 की वैल्यू क्या है, 6, और 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24, और ये फैक्ट 4 की वैल्यू हो गई, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 24। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, मैंने एक बार आप चाहें तो पॉज करके पीछे जाके फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा, जो वैल्यूज आ रही हैं हम उन्हीं को बार बार क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। जैसे देखिए एक बार मैं रिपीट भी कर देती हूँ, फैक्ट 4, 4 इंटू फैक्ट 3, 3 इंटू फैक्ट 2, 2 इंटू फैक्ट 1,
एंड वन इंटू फैक्ट जीरो, दिस इज टर्मिनेशन कंडीशन। फैक्ट जीरो की वैल्यू हमने वन मानी है, तो वन इंटू वन यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, मतलब फैक्ट वन को क्या मिला, वन। अब इसके साथ क्या लिखा हुआ, टू, टू इंटू वन क्या हो जाएगा, टू। ये यहाँ पर रिटर्न हुआ, मतलब फैक्ट टू की वैल्यू क्या हो गई है, टू। और टू इंटू थ्री ये क्या हो जाएगा, सिक्स। तो ये फैक्ट टू यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, सिक्स। अब फैक्ट थ्री की वैल्यू इसका मतलब हुई है सिक्स, सिक्स इंटू फोर 24। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रिकर्शन फॉर टुडे। और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकर्शन, और रिकर्शन से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।